वेलकम बैक टू माय चैनल सौम्यास किचन कॉर्नर। आज हम बनाएंगे लखनऊ की फेमस रेसिपी गलौटी कबाब, जो मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। गलौटी कबाब बनाने के लिए हमने ये एक कप उबले हुए राजमा लिए हैं और ये आधा कप हमने सोयाबीन ली है, इसे भी हमने उबाल लिया था। तो अब हम इसे मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमने ये 12 से 15 लगभग काजू लिए हैं, इसे हमने रोस्ट कर लिया था। और ये धनिया और पुदीने की पत्तियां, तला हुआ प्याज, एक हरी मिर्च और ये गुलाब जल में हमने केसर के कुछ धागे डाल दिए थे, इसे हम डाल देते हैं। और अब हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस पेस्ट को भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे छोटी इलायची कुटी हुई दरदरी, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधे चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें 2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। 3 चम्मच हमने इसमें बेसन ऐड किया है बाइंडिंग के लिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। थोड़ा सा केवड़ा ऐड करेंगे। अब हम इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हाथों में थोड़ा सा ऑयल या फिर घी लगा लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा डो लेंगे और हम कबाब तैयार कर लेंगे। जितने बड़े साइज के आपको कबाब बनाने हो इस तरह से तैयार कर लेंगे। कबाब को फ्राई करने के लिए हमने ये नॉनस्टिक तवा लिया है, इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। आप यहाँ पे कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक एक करके रखते हैं। आज पे ही पकाएंगे। अब हम इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक पलट देंगे। और अब हम इसे दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पका देंगे। अब ये दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, फिर इन्हें हम निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म डिलीशियस यम्मी गलौटी कबाब तैयार है और आप इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।